हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ में जो अपन क्वेश्चन बैंक कर रहे थे बायोलॉजी की उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में अपन ने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे आज के वीडियो में अपन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले वो विजिट कर सकते हैं जिसमें अपन ने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना ये है कि जेसी बोस जो है उन्होंने वर्क किस प्लांट पे किए थे जेसी बोस वर्क ऑन विच प्लांट तो किस पे किए थे डेस्मोडियम जिसे अपन क्या कहते हैं इंडियन टेलीग्राफ प्लांट भी कहते हैं सेकंड है कि व्हाट इज कैपिलरी वाटर कैपिलरी वाटर क्या होता है तो देखो इसकी डेफिनेशन आप खुद नोट कर लेना मैं समझा देता हूं कि वैसे ही ये कट हो चुका है सिलेबस में से लेकिन क्या पता आ ही जाए सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच बीच में एक फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है है जिसे क्या कहते हैं कैपिलरी। जब बारिश होती है या फिर जो भी पानी ऊपर से आता है उस पानी का बहुत सारा हिस्सा तो क्या होता है ग्रेविटेशन की वजह से नीचे चला जाता है उसे अपन क्या कहेंगे ग्रेविटेशनल uh, वाटर वो वॉटर एब्जॉर्प्शन के लिए प्लांट के वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता कुछ जो वाटर होता है ये सॉइल के पार्टिकल खुद एड्जॉर्ब कर लेते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होता और कुछ वाटर की अमाउंट जो होती है वो सॉइल के पार्टिकल के बीच में यहां पर इकट्ठी हो जाती है इसे क्या कहते हैं कैपिलरी वाटर और ये वाटर होता है जो आ, प्लांट के वाटर एब्जॉर्बशन के लिए अवेलेबल होता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइट द टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन तो ट्रांसपिरेशन कितने टाइप के होते हैं तीन टाइप के स्टोमेटल लेंटिक्यूलर और क्यूटिक्यूलर नेक्स्ट है इन विच प्लांट गटेशन इज विजिबल इन अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में गटेशन किन किन प्लांट में विजिबल होता है तो कौन से होंगे पोटेटो ब्रायोफिलम ठीक है नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एपिथेम एपिथेम क्या होता है तो एपिथेम आप सब जानते हैं पेरेनकाइमस सेल होती है जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है हाइडोथोड हाइडोथोड का जब अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये पोर है इसके नीचे जो पेरेनकाइमस सेल जो होती है बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं एपिथेम और ये डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में होती है जाइलम वेसल्स के कॉन्टेक्ट में होती है नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टोमेटिक लीफ आप जानते हैं कि लीफ जो है स्टोमेटा की प्रेजेंस के बेसिस पे तीन तरह की होती है एपिस्टोमेटिक हाइपोस्टोमेटिक एम्फीस्टोमेटिक तो यह है एपिस्टोमेटिक लीफ जिसमें स्टोमेटा सिर्फ ऊपर वाली सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल बताने तो किस में होंगे फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स और वाटर लिली में नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टोमेटा इन लीफ स्टोमेटा के नंबर कितने होते हैं लीफ पे तो 100 से 60000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं नेक्स्ट है, है व्हेन एंड हु गव द पल्सेशन थ्योरी तो पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी जेसी बोस ने 1923 में दी थी और इन्होंने किस पे काम किया था इंडियन टेलीग्राफ प्लांट पे नेक्स्ट है हु इंक्लूड निकल, निकल इन नेसेसरी और एसेंशियल एलिमेंट एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दो तरह के एलिमेंट होते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट के कैटेगरी uh, में निकल को किसने जो है इंक्लूड uh, किया था तो किसने किया था डॉल्टन ने किया था किसने किया था डॉल्टन ने नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम तो एंजाइम का प्रोटीनियस पार्ट कौन सा होता है एपो एंजैम नॉन प्रोटीनियस कौन सा होता है कोफैक्टर इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं होलो एनजेम नेक्स्ट है व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है तो टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री पहला कौन सा होता है इंसीजर फिर कैनाइन फिर फ्री मोलर और फिर कौन सा होता है मोलर नेक्स्ट है व्हाट इज द यूजड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं तो एक तो ब्रोंकोडाइलेटर यूज करते हैं और एक एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं ब्रोंको डाइलेटर्स जो होता है वो आ, इनको आ, रेस्पिरेटरी पाथ को थोड़ा और फैला देता है और एंटीबायोटिक यूज करते हैं ताकि अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वह कम हो जाती नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो दो टाइप के होते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी क्या है किडनी के फंक्शन क्या है तो देखो किडनी जो होती है वो एक्सक्रिएशन में तो हेल्प करती है साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है जब भी किडनी के फंक्शन पूछे तो आप ये दोनों लिखे एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो वाटर की अमाउंट बॉडी में कंट्रोल करती है नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है नेफ्रॉन होती है नेक्स्ट है व्हाट इज डक्ट ऑफ बेलिनी डक्ट ऑफ बेलिनी क्या होती है तो जो अपन जानते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसके बाद में सबसे लास्ट में क्या बनती है नेफ्रॉन जो होता है वो किस में जाके खुलता है कलेक्टिंग डक्ट में और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में कंबाइन होकर एक डक्ट बनाती है जिसे क्या कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी जो कहाँ पर ओपन होती है रीनल पेल्विस में ओपन होती है नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लो मेरुलस फिल्ट्रेशन तो आप जानते हैं कि जो अपना ये अपने नेफ्रॉन का आगे वाला पार्ट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं मेलपीगियन बॉडी इसमें ये तो है बॉमस कैप्सूल और इसके अंदर क्या होता है ग्लो मेरुलस होता है ठीक है अब यहाँ पर आने वाली ट्यूब में जो डायमीटर होता है वो और जाने वाली ट्यूब का जो डायमीटर है एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियल उसके डायमीटर में फ़र्क होता है और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है किससे ग्लो मेरुलर कैपलरी से जिसे क्या कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है आप नोट्स में से नोट कर लें ठीक है नेक्स्ट है सेप ऑफ हैंडले लूप हैंडले लूप का सेप क्या होता है तो यू सेप का होता है नेक्स्ट है पैथोजन ऑफ गोनोरिया गोनोरिया का पैथोजन क्या होता तो नीजेरिया, है है तो नेक्स्ट फादर ऑफ़ इम्यूनोलॉजी ये अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी किया था कौन है एडवर्ड जेनर नेक्स्ट है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है थॉमस एडिसन नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच एडीएच क्या होता है एंटीडाई यूरेटिक हार्मोन जिसे वेसोप्रेसिन भी कहते हैं ये जो हार्मोन होता है इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा ये हार्मोन क्या करता है यूरिन में से वाटर के रीऑब्जॉर्प्शन को कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को कराता है अगर इस हार्मोन की कमी होगी तो यूरिन जो बनते समय जो होगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन में वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी इसका मतलब ज्यादा यूरिन बनेगा पॉली यूरिया या डायबिटीज इन कह सकते हैं नेक्स्ट है तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे अपने कौन से मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी नेक्स्ट है हु कॉल्ड हार्मोन एज इरिटेंट हार्मोन को इरिटेंट किसने कहा था तो स्टारलिंग ने कहा था नेक्स्ट है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी अभी अपन ने देखा था किसने था थॉमस एडिसन नेक्स्ट है uh, थॉमस एडिसन नहीं है एडिसन ये टी से इसका कुछ और नाम है नेक्स्ट है विच हार्मोन नॉन एज गैमिटोकाइनेटिक फैक्टर अच्छा क्वेश्चन है ये कि कौन से हार्मोन को गेमिटोकाइनेटिक फैक्टर कहते हैं तो किसको कहते हैं एफ को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कहते हैं गेमिटोकाइनेटिक फैक्टर कहते हैं नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं अपन पीटियोट्री ग्लैंड को और उसको भी कंट्रोल कौन करता है हाइपोथेलमस तो हाइपोथेलमिस कौन होगा मास्टर ऑफ मास्टर नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन आयोडीन आयोडीनेटेड सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए कौन सा एलिमेंट होगा आयोडीन नेक्स्ट है आइसलेट ऑफ लैंगर जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है तो पेनक्रिया में प्रेजेंट होती है और ये पेनक्रियाज जो होती है वो एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों होती है उसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता होता है है वो कौन सा ऑफ जिसमें तीन तरह की सेल होती है अल्फा बीटा और डेल्टा ठीक है आपके लिए क्वेश्चन बताओ इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है अल्फा बीटा और डेल्टा में से नेक्स्ट है विथ सेल डिविजन टेक प्लेस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो एम होती है वो कैसी होती है टू और उससे क्या बनाना है माइक्रोस्पोर बनाना है जो कि कैसे हैं एन इसका मतलब कौन सा डिवीजन होगा मियोसिस होगा कौन सा होगा मियोसिस तो क्या आंसर होगा इसका मियोसिस नेक्स्ट है हु डिस्कवर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट प्लांट में फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की थी तो किसने की थी स्ट्रॉस बर्गर ने की थी किसने की थी स्ट्रॉस बर्गर ने और किस प्लांट में की थी लीलियम प्लांट में की थी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक ये इसका एग्जाम्पल बताना है तो ये किसका एग्जाम्पल होगा कैजुराइना मॉन्टेना ठीक है ये इसमें एक से ज्यादा क्या बनते हैं एम्ब्रियो एम्ब्रियोसेक और ये पॉली एम्ब्रियोनी का क्या है एक तरीका है नेक्स्ट है डिफ्रेंसिएट बिटवीन एरिल एंड कैरनकल ये मैं करवा चुका हूं पहले भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो अवेलेबल करवाए थे उसमें भी आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लें ठीक है Next, देखो, यहां तो नहीं लिखी है, मैंने की बता देता हूं। जो अपन खुद है। एक तो नेचुरली कुछ प्लांट आर्टिफिशियली खुद करवा है और ये करवाने के लिए अपन दो हार्मोन यूज करते हैं ऑक्सीजीन और जिब्रेलिन ऑक्सीजीन और जिब्रेलिन का यूज करके अपन खुद अगर किसी चीज में पार्थिनोकार्पी बोले तो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन कराते इसे क्या कहते हैं इंड्यूस पार्थिनोकार्पी कहते हैं नेक्स्ट है इन विच प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी किस प्लांट में हुई थी तो फर्टिल एरिया और लीलियम प्लांट में हुई थी और साइंटिस्ट का नाम पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखें नवास ने डिस्कवरी की थी किसकी डबल फर्टिलाइजेशन की और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है एनजियोस्पम का करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राइट द टू एग्जांपल ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली देखो क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसी की ऐसी फैमिली एक ही बात होती है तो इसके कोई भी दो एग्जांपल लिखने तो एक तो ब्रेसी का नेपस जो अपने मस्टर्ड का हो जाएगा और एक ब्रेसिका ओली रेस जो अपने गोभी का हो जाएगा ठीक है तो ये आप दो लिख सकते हैं इसके अलावा और भी है ब्रेसिकेश फैमिली के आप मेंबर लिख सकते हैं नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ एजेंट विच परफॉर्म पॉलिनेशन इन बॉम्बेक्स बॉम्बेक्स में कौन पॉलिनेशन परफॉर्म करता है तो बर्ड से पॉलिनेशन होता है इसका मतलब कौन सा हुआ ऑर्निथोफिली नेक्स्ट है हु वैन एंड विच इन विच पॉली एम्ब्रियोनी डिस्कवर्ड पॉली एम्ब्रियोनी किसने डिस्कवर्ड की कब डिस्कवर्ड की और किस में डिस्कवर्ड की तो लिव एन हॉक ने डिस्कवर्ड की 1719 में डिस्कवर सेवनटीन नाइनटीन में डिस्कवर की और किस में की थी ऑरेंज में डिस्कवर की थी नेक्स्ट है राइट टू स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन प्लांट रिप्रोडक्शन के दो स्पेशल मेथड बताने तो एपोमिक्सिस हो सकता है एग एमोस्पर्मी हो सकता है पॉली एम्ब्रियोनी हो सकता है नेक्स्ट है राइट द फंक्शन ऑफ रूट एयर अगेन ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से कट हो चुका है लेकिन फिर भी रूट एयर जो होता है रूट के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं तो दो फंक्शन लिख देंगे एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और वाटर का एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं नेक्स्ट है हाउ मैनी मेथड या मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर एब्जॉर्प्शन के कितने तरीके हैं वो बताने तो दो तरीके हैं एक्टिव और पैसिव एक्टिव में क्या करते हैं रूट जो होती है वो खुद पार्टिसिपेट करती है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए और एनर्जी स्पेंड करती है और पैसिव एब्जॉर्प्शन में रूट खुद पार्टिसिपेट नहीं करती ऑटोमेटिकली कंसनट्रेशन के हिसाब से वाटर बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है और इसमें कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता ठीक है ए कंज्यूम नहीं होती प्रोटेक्ट टिप ऑफ रूट कौन सी ऐसी चीज है जो रूट की टिप को क्या करती है प्रोटेक्ट करती है रूट कैप नेक्स्ट है हु गैव एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी किसने दी थी तो देखो इमूरा और फ्यूजिनो ने पहले दी थी लेविट ने फिर इसको बाद में और डेवलप किया था कुछ बुक में सिर्फ लेविट ही नाम दे रखा है आप ये पूरा लिख दें कि भाई पहले इमूरा और फ्यूजिनो ने दी थी बाद में लेविट ने डेवलप की थी नेक्स्ट है राइट द टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन ये पहले भी आ रखा है क्वेश्चन स्टोमेटल क्यूटिकुलर और लेंटिक्यूलर नेक्स्ट है प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म प्लांट जो होते हैं वाटर एब्जॉर्ब्शन नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब्शन किस फॉर्म में करते हैं तो मेनली तो करते हैं एनओ थ्री के फॉर्म में कभी कभार एनओ टू के फॉर्म में एनओ टू माइनस के फॉर्म में और बहुत ही कम केस में वेरी रेयरली एन एच फोर प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं नेक्स्ट है हु प्रपोज द ट्रांसपिरेशन को दिया था डिक्सन जॉली ने फिजिकल एब्जॉर्प्शन थ्योरी थी ए, फिजिकल फोर्स थ्योरी थी ठीक है नेक्स्ट है हु प्रपोज द वाइटल फोर्स थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी तो गोल्डे वस्की जेसी बोस और स्ट्रॉस बर्गर ने जो है वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी नेक्स्ट है बाई विच इंस्ट्रूमेंट रूट प्रेशर इज मेजर रूट प्रेशर जो है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं तो रूट प्रेशर जो है मैनोमीटर से मेजर करते हैं कोई भी जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने की जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें मैनोमीटर नाम जरूर आता है नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वॉट इज द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर पैसिव एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं वाटर का तो अभी मैंने बताया था पैसिव एब्जॉर्प्शन वो होता है जिसमें रूट खुद पार्टिसिपेट नहीं करती और जो होता है वाटर जो होता है वो कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो होता है वो ट्रांसफर होता है ए जो होता है वो कंज्यूम नहीं होगा ठीक है और डिफ्यूजन के बेसिस पे ये क्या होता है वाटर एब्जॉर्बन होता है नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज इंक्लूडेड बाय डॉल्टन इन एसेंशियल एलिमेंट अभी ऊपर अपन ने देखा था कि निकल को किस साइंटिस्ट ने एसेंशियल एलिमेंट में इंक्लूड uh, किया था और अब क्वेश्चन है कि डोल्टन ने किस एलिमेंट को रिवर्स है तो अपन ने देखा था कौन सा है निकल नेक्स्ट है प्राइमरी मेगा न्यूट्रिय कौन से होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो प्राइमरी मेगा न्यूट्रिय होते हैं एनपी के नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम लेकिन साथ ही साथ में ये भी याद कर लेते हैं सेकेंडरी मेगा न्यूट्रियट्स कौन से तो कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर नेक्स्ट है मार्स स्पोर्ट ऑफ पी ये किसकी वजह से होता है तो ये होता है मैग्नीज की वजह से एक और याद कर लेते इधर मैग्नीज की वजह से ही एक और डिजीज भी होती है ग्रे स्पीक ऑफ ओट वो भी मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लांट एस एंड एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन इट और उससे अगला क्वेश्चन है ये ये आपके mineral nutrition वाले के में मैंने दोनों करवा रखे तो आप से कर लीजिए थोड़ी थ्योरी है तो वहां से आपको ये मिल जाएंगे ठीक है नेक्स्ट है डाई बैक डिजीज ऑफ लेमन लेमन की डाई बैक डिजीज किस मिनरल की डेफिशिएंसी uh, की, की वजह से होती है तो कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द अदर नेम ऑफ मैक्रो न्यूट्रेंट्स के अदर नेम क्या है तो मेजर न्यूट्रिय कह सकते हैं मेगा न्यूट्रिय कह सकते हैं प्राइमरी एलिमेंट्स कह सकते हैं नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट टू गिव एविडेंस द प्लांट डिपेंडेंट ऑन मिनरल फॉर न्यूट्रिशन कौन साइंटिस्ट था जिसने ये पहली बार बताया था कि प्लांट जो होता है न्यूट्रिशन के लिए मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं तो कौन थे सोसर so, ठीक है नेक्स्ट है आयू बी की फुल फॉर्म लिखनी है तो आयु बी की फुल फॉर्म क्या होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री

और इंड्यूस फिट थ्योरी किसने दी थी कॉसलैंड ने दी थी 1966 में नेक्स्ट जो है आ, राइट आ, राइट ऑन द नॉन प्रोटीनियस एंजाइम मतलब ऐसे एंजाइम का नाम लिखना है जो प्रोटीन का नहीं बना होता जनरली एंजाइम किसके होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं तो एंजाइम कौन सा होगा राइबोजाइम और राइबोजाइम जो होता है वो क्या होता है बेसिकली आर होता है एक और चीज ये आप जो ऊपर 61, 62 क्वेश्चन है इसमें आप नाम पे फोकस कीजिए मुझे नहीं लगता कि ईयर पूछने वाले नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप तो देखो दो तरह की एंजाइम के कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन पार्ट जिसे अपन क्या कहते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे अपन क्या कहते हैं को अब जो अपना फैक्टर सॉरी को फैक्टर जो होते हैं वो जो होते हैं वो भी तीन तरह के हो सकते हैं उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप वो को फैक्टर होता है जो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड होता है अपन एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड होता है उसे क्या कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं नेक्स्ट है विच एंजाइम कंटेन जिंक कौन सा एंजाइम जिंक कंटेन करता है तो कौन सा एंजाइम करता है कार्बो ऑक्सीज नेक्स्ट है व्हाट इज एंजाइम एंजाइम की आपको डेफिनेशन लिखनी है नेक्स्ट है व्हाट इज एनाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है जो अपनी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसे कलेक्टिवली मेटाबॉलिक कहते हैं उसमें से वो रिएक्शन जो फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी नीडेड होते हैं उसे कहते हैं एनाबॉलिक और दूसरी वाली क्या कहलाती है कैटाबॉलिक जो ब्रेकडाउन रिएक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और सिट्रेट सिंथेटेज किस तरह के एंजाइम है तो एंजाइम वाले चैप्टर में अपन ने सबसे लास्ट में एंजाइम का क्लासिफिकेशन किया तो उसमें से ये कौन सी कैटेगरी के, के एंजाइम है लाइगेज ऑक्सीडेज ऑक्सीडोरिडक्टेज लाइजेज बहुत सारे एंजाइम के नाम थे वहाँ पर हाइड्रोलेज तो कौन सा एंजाइम है तो ये लाइगेज टाइप का है नेक्स्ट है एच की फुल फॉर्म बतानी है तो एच की फुल फॉर्म क्या होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशेंसी वायरस एच की फुल फॉर्म होती है और लास्ट क्वेश्चन है आज का राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं जिसमें अपन ने सारे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो किए नेक्स्ट वीडियो में अपन फिलअप्स करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक, तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए खूब खुश रहिए खूब मस्त रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग